हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सत्यम पाठक और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क, जो मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अधिकतर कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जामिनेशन जो होता है उसमें इस टॉपिक से कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट को इस टॉपिक में बहुत परेशानी होती है, उनको ये टॉपिक हार्ड लगता है। एक्चुअल में ये टॉपिक हार्ड है नहीं उतना जितना स्टूडेंट इसको समझते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ टाइम एंड वर्क से रिलेटेड सारी तरह के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको कवर कराने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक और टिप्स के साथ इसको कराने वाला हूँ। मैं ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कंपटीशन लेवल एग्जाम जब होता है तो हमें वहाँ पे टाइम को सेट करके चलना पड़ता है। वहाँ पे अगर आप ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ करते हुए सोचोगे मैं सॉल्व करूँ तो कहीं ना कहीं ये अपने में बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, तो हम शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ बातों को, कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है टाइम एंड वर्क। ठीक है, हिंदी में कहते हैं कार्य एवं समय। ठीक है, कार्य एवं समय, कुछ बात समझिए पहले। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ टाइम और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्क। देखिए टाइम और वर्क जो होता है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, अगर मजदूर अधिक हो जाए तो समय कम लगता है। ठीक है, अगर मजदूर अधिक हो जाता है तो समय कम लगता है, और अगर मजदूर की संख्या कम हो जाए तो समय अधिक लगता है। इस बात को समझिए, मजदूर कम समय ज्यादा, मजदूर ज्यादा समय कम, ये एक दूसरे का इनवर्स प्रपोर्शन होता है। आपको बस इस बात को अपने माइंड में सेट कर लेना है कि टाइम एंड वर्क एक दूसरे का इनवर्स प्रपोर्शन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाला हूँ। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज राम किसी काम को 10 दिनों में और मोहन उसी काम को 15 दिनों में अलग अलग कर सकता है। मतलब राम किसी काम को करने में 10 दिन का समय लेता है और मोहन उसी काम को करने में 15 दिन का समय लेता है। ठीक है, अब सवाल ये बोला गया है कि यदि दोनों एक साथ काम करें, मतलब राम और मोहन अगर एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम समाप्त होगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसको पहले आप अगर समझ लेते हैं तो बनाना बड़ी बात नहीं रहती है। क्वेश्चन ये है कि राम किसी काम को करने में 10 दिन का समय लेता है और मोहन उसी काम को करने में 15 दिनों का समय लेता है, अगर वो दोनों मिल जाए तो कितने दिनों में ये कार्य संपन्न होगा। ठीक है, ये काम कितने दिनों में समाप्त होगा, अब क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। अब देखिए हम इसे कैसे शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हुए बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, 5 सेकंड में इसका आंसर निकल कर आएगा। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट वाला जो इन्फॉर्मेशन दिया गया आप उसे एक्स मानेंगे और सेकंड वाला इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है उसे वाई मानेंगे। मतलब ये जो 10 दिन गिवन है, राम 10 दिन जो लेता है वो एक्स है और मोहन 15 दिन जो लेता है किसी काम को करने में वो वाई है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे, यहां पे मैं लिख लेता हूं सॉल्यूशन। राम कितने दिनों का समय लेता है फ्रेंड्स, 10 दिनों का, 10 दिन, और कंपैरेटिवली मोहन कितने दिनों का समय लेता है, वेरी गुड, 15 दिन का वो समय लेता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक्स है, ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इतना सबसे पहले लिख लीजिए कि राम 10 दिन लेता है तो ये एक्स है, ये एक्स है, और मोहन 15 दिन का समय लेता है इसलिए ये वाई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बिल्कुल ही इजीली मैं आपको बताने वाला हूँ, आप ध्यान से देखिए। अब हमें कुछ नहीं करना है, आप लिखेंगे एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई, ये हमारा एक, ये आप इसे ट्रिक कह लीजिए या जो कहना है आप कह लीजिए, इसी से बिल्कुल बन के आएगा एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। कहने का मतलब x और y को इंटू करना है, गुणा कर देना है और बट्टे के नीचे x प्लस y को जोड़ देना है। देखिए हमारे पास x का वैल्यू क्या है, 10 है, और y का वैल्यू क्या है, 15 है, लेकिन दोनों के बीच का रिलेशन इंटू का है। ठीक है, नीचे बट्टा और क्या लिखा है, x प्लस वाई। तो आप बताइए x का वैल्यू 10 है और y का वैल्यू 15 है, तो हम 10 जोड़ 15 करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि 10 गुणे 15 कितना होता है, वेरी गुड, 150 होता है। ठीक है,
और यहाँ पे क्या है बटे के नीचे 10 और 15 दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आता है 25 आता है। वेरी गुड, 25 निकल कर आता है। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, आप इसको भागा कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम सिंपली क्या करते हैं, इसको कट देते हैं, इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो देखिए 25 एकम 25 होता है और 25 सात होता है 150, मतलब 25 के टेबल में 25 के टेबल में 6 टाइम में 150 आता है। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आया 6, और ये 6 क्या है, ये है दिन, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा आंसर निकल के आया है 6 दिन। अब आप ऑप्शन में देखिए कहाँ पे 6 दिन दिया गया, देखिए 4, 5, 6, तो ये हमारा आंसर जो है वो 6 दिन निकल कर आ जाएगा, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या आपको समझ में आया, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। सब क्वेश्चन था, राम किसी काम को 10 दिनों में और मोहन उसी काम को 15 दिनों में अलग अलग कर सकता है, यदि दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन समय लगेगा, दोनों अगर मिलकर काम करें तो कितना दिन लगने वाला है। तो आपको क्वेश्चन करना है, आप लिख लेंगे राम कितने दिन में काम को करता है 10 दिन में, मोहन उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। अब दोनों को अगर मिलकर काम कराना है, मतलब कि राम प्लस मोहन अगर मिलकर काम करें तो आप इस तरह से लिखेंगे एक्स वाई बट एक्स प्लस वाई, एक्स का वैल्यू था 10 और वाई की वैल्यू पे हमने रखा 50, बट एक्स के प्लेस पे 10 और वाई के प्लेस पे 50, और इसको मैंने क्या किया सिंप्लीफाई किया, इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 150 आया, और इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो 25 आया, और सिंपली इसके बाद मैंने क्या किया 25 से 150 को मैंने डिवाइड कर दिया, और जैसे डिवाइड किया तो आंसर निकल कर आया 6, और आप देखिए ऑप्शन सी हमारा 6 दिन करेक्ट है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए लिखा गया है कि यदि ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 12 दिनों में तथा सी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट करता है, और सी उसी काम को 15 दिनों में कंप्लीट करता है। अब सवाल ये कहा जा रहा है कि यदि ये तीनों आपस में मिलकर उस काम को करें, यदि ए बी और सी तीनों मिलकर उसी काम को कंप्लीट करें तो कितने दिन का समय लगेगा, ये सवाल आपसे कहा जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए बिल्कुल इजीली हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये 4 ऑप्शन दे रखा है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए पहला फर्स्ट वाले सवाल में मैंने जैसा कि आपको कहा कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होता है हम उसे एक बार पुट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक के बारे में दिया गया है, यहाँ लिख लेते हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ सॉल्यूशन। देखिए ए को कितने दिन का समय लगता है 10 दिनों का, ए टेक्स 10 डेज 10 दिनों, ठीक है। ए को 10 दिन का समय लगता है, बी को 12 दिन का समय लगता है, और सी को 15 दिन का समय लगता है। ए को 10 दिन, बी को 12 दिन और सी को 15 दिन का समय लगता है किसी काम को कंप्लीट करने में, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन हमसे ये कहा जा रहा है कि यदि ए बी और सी मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन का समय लगेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, आपको मैंने कहा कि आप इसे x मान लीजिए, इसे y मान लीजिए। अच्छा अब क्या है सर, यहाँ तो 3 है, पहले x था और y था, अभी तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ z लिख लेना है, पर्सन कुछ भी हो x y z सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है, नथिंग एल्स। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे x, मैं इससे लिख लेता हूँ, आप लिखेंगे x y और z, और बटे में लिखेंगे एक्स वाई प्लस YZ plus ZX। आप इसे फिर से एक बार नोट कर लीजिए, ये एक आप इसे ट्रिक समझ लीजिए फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे कहीं नोट कर लीजिए या फिर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर तीन व्यक्ति किसी काम को मिलकर करें तो क्या होगा, ट्रिक इसके लिए एक्स
वाई जेड मतलब एक्स इंटू वाई टू जेड बट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। इस तरह से आप पहले फ्रेम कर लेंगे इक्वेशन को और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एक्स वाई जेड का वैल्यू हमारे पास यहाँ गिवन है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख लेते हैं 10 इंटू 12 इंटू 15 और बटे के नीचे में एक्स वाई, एक्स है हमारे पास 10 और वाई हमारे पास है 12 प्लस फिर वाई जेड, वाई हमारे पास है 12 और जेड हमारे पास है 15 प्लस जेड और एक्स। देखिए जेड का वैल्यू हमारे पास है 15 और एक्स का वैल्यू हमारे पास है 10, ठीक है फ्रेंड्स। हमने वैल्यू रखा, पहले हमने एक ट्रिक रखा, फार्मूला कह लीजिए से ये फार्मूला है, फिर उसको उसमें मैंने वैल्यू पुट किया, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देखिए ये 12 और 15 कितना होता है, 12 15 इंटू में क्या होता है 180 होता है और ये 10 तो ये हो जाएगा 1800 इज़न्ट इट, कितना होगा 1800। इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया इतना आया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 12 और 10 क्या होता है, 12 और 10 120 होता है प्लस 12 और 15 क्या होता है 180 होता है और 15 और 10 क्या होता है 150 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, इन सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सॉल्व किया थोड़ा सा। अब देखिए ये हमारे पास 1800 और बटे के नीचे हमारे पास है 120 180 और 150, इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 300 450, कितना आता है फ्रेंड्स 450 हमारे पास निकल गया है। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, 450 से 1800 को आप डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 450 टू जा होता है 900 और 900 टू जा होता है 1800, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 4। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 4 निकल कर आएगा और ये 4 डेज है, ठीक है 4 डेज है। तो देखिए आप हमारा आंसर निकल के आ चुका है 4 डेज, देखा आपने। अब देखिए ऑप्शन हमारे पास 4 डेज ये रहा हमारे पास, ऑप्शन डी इसके लिए सही होगा, समझ में आया आपको। चलिए एक बार मैं और एक बार समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले सवाल ये था कि ए किसी काम को एक्स दिन में, बी किसी काम को वाई दिन में और सी किसी काम को जेड दिन में अगर कंप्लीट करता है, तो अगर तीनों मिलकर किसी काम को करना चाहे तो इसके लिए ट्रिक आप समझिए क्या होता है। ए बी सी किसी काम को मिलकर कर रहे हैं तो ट्रिक है एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और इस पर वैल्यू रखेंगे और इस पर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल तुरंत निकल कर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए और इसमें अब हमने दो वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स को कवर किया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड अदर टाइप्स के क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के साथ कैसे बनाएं इस तरह से वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू।